सारण के भिखारी चौक स्थित बूथ के पास रोहिणी आचार्य के जाने के बाद बड़ी विवाद के कारण मंगलवार सुबह गोलीबारी हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने हथियारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोलीबारी की है। सोमवार को मतदान के बाद इन लोगों ने सारण लोकसभा क्षेत्र की लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के सामने अभद्रता की थी। आज सुबह तीन लोगों को गोली मार दी गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझा कर शांत करवाया। भिखारी ठाकुर चौक पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। मृतक नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा निवासी योगेंद्र राय के 26 वर्षीय चंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायलों में शंभू राय के 30 वर्षीय पुत्र गुड्डू राय और विदेशी राय के 40 वर्षीय पुत्र मनोज राय शामिल हैं। दोनों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद PMCH घटना रेफर कर दिया गया। घायल मनोज को कमर में गोली लगी है जबकि गुड्डू राय के सिर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलने पर सदर अस्पताल में पूर्व मंत्री सहम मरोड़ा से राजद विधायक जितेंद्र राय पहुंचे। उन्होंने हथियारी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं घटनास्थल पर सारण के आयुक्त एन सरवणन और पुलिस उप महानिरीक्षक विकास वैभव सहित जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला पहुंचे। उन्होंने लोगों को हथियारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस हथियारों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे तीन कार्यकर्ता को गोली मारी गई है जिनमें से दो की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए इनके ऊपर। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री सह राजद विधायक जितेंद्र राय ने कहा कि सोमवार देर रात्रि को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य के सामने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बावजूद भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह में भिखारी ठाकुर चौक पर चाय पीने आए युवकों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए गोली मारी गई, जिस दौरान एक युवक की मौत जबकि दो युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं।